हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नर्सरी में आते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नर्सरी में आते समय नर्सरी के देखिए प्लांट उन्होंने कैसे रख रखे, कैसे देख रेख करते हैं, प्लांट हेल्दी है या नहीं, ये आप पूरा देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि नर्सरी में वे प्लांट अभी नए हैं या पुराने हैं, प्लांटों कितनी देख रेख करते हैं, उसी हिसाब से आप प्लांट सेलेक्ट करें और प्लांट ख़रीदें। अगर उन्होंने प्लांट की केयर नहीं करते हैं तो आप प्लांट ख़रीदेंगे तो वह काफ़ी दिन तक नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो अच्छी तरह से डेकोरेट करके रख रखा है, देख लिया आप, सजा के भी रख रखा है और आप देख सकते हैं। चलो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखते पहली बात ये है कि जब आप प्लांट ख़रीदें सबसे मेन बात रखें, जैसे ये साइज़ पॉट का थैली का, इसकी जड़ें नीचे से निकली नहीं होनी चाहिए। देखो अभी ये ताज़ा प्लांट आए, हेल्दी भी प्लांट है और इसकी जड़ें नीचे नहीं निकल रही है। अगर जो जड़ें नीचे निकल जाती है वो प्लांट आप घर पर लेके जाओगे और ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी जड़ें अब देखो बाहर निकली हुई है। ऐसे आप अब घर ले जाके लगाओगे तो ये प्लांट सक्सेस नहीं होगा, प्लांट ख़त्म हो जाएगा। 100% तो नहीं कह सकता ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप नर्सरी से ख़रीदे तो ऐसा प्लांट ना ख़रीदे। आप हमेशा ऐसा प्लांट ख़रीदे जिसकी रूट्स बाहर नहीं निकली हो। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आप प्लांट ख़रीदें तो उसकी कलियाँ खिली होनी चाहिए। ये देख रहे हो आप, कलियाँ खिली हुई है, कलियाँ होनी चाहिए। ऐसे खिला हुआ फूल नहीं लेना चाहिए आपको, लेना चाहिए उसमें कलियाँ भी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत फूल खिला होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फूल खिला हुआ प्लांट सेलेक्ट करते हो तो आप घर लेके जाओगे उसको और 4-5 दिन के अंदर उसमें से फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, फिर आप कहते हैं फ्लावरिंग नहीं आती है। तो आप ऐसे कलियाँ वाला प्लांट सेलेक्ट करोगे तो फिर आपके काफ़ी दिन तक वह चलेगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखें, आपके प्लांट हेल्दी होना चाहिए। आप हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करें, ये देखिए आप कितना हेल्दी प्लांट है। मैं आपको एक भी हेल्दी प्लांट दिखाता हूँ, गंधराज, ये देखिए आप कितना हेल्दी प्लांट है, इसमें कलियाँ भी आ रही है। इसको आप ये ध्यान रखें, हमेशा नर्सरी से हेल्दी प्लांट खरीदे कि नर्सरी के अंदर अभी अभी थोड़े दिनों पहले प्लांट आए हुए उसी में सेलेक्ट करें, वह प्लांट आपके बहुत अच्छा चलेगा। आप हमेशा ध्यान रखें प्लांट खरीदते समय कि उसमें फंगस नहीं लगा होना चाहिए। अगर फंगस लग रहा है तो वह प्लांट आप सेलेक्ट ना करें, ये प्लांट आपके और भी प्लांटों में फंगस ले जाएगा अगर आप ये घर पर लेके जाओगे तो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा प्लांट आप लेवे और कौन सा नहीं लेवे। फंगस लगा हुआ प्लांट नहीं लेना चाहिए आपको, ऐसा प्लांट लेना चाहिए जिसमें बिल्कुल फंगस नहीं लगा हुआ। देख सकते हैं आप, फंगस ने इसमें अटैक नहीं किया है, तो ऐसे प्लांट आप ख़रीदें। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर फंगस आप देख सकते हो, नीचे की तरफ प्लांटों में फंगस लगता है। आप देख सकते हो वाइट वाइट सा, देख ये फंगस लग रहा है। तो आप कभी प्लांट सेलेक्ट करें तो उसको अच्छी तरह देखें कि उसमें फंगस तो नहीं लग रहा है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और आप ऐसे ही प्लांट सेलेक्ट करें जिसके अंदर कली आ रही हो, जैसे आप देख सकते हो ये मोगरा है, कितना हेल्दी प्लांट है। तो आप ध्यान रखें, देखो इसमें फ्लावरिंग खिल रही है, तो आप ऐसा प्लांट खरीदे जिसमें देखो फ्लावरिंग भी आ रही है, कलियाँ भी आ रही है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि यहाँ पे प्लांट सेलेक्ट करने के बाद नर्सरी वाले से ज़रूर पूछें कि वो कौन सा प्लांट है, कि वह धूप का है या छाँव का है। आप ये ज़रूर पूछें, आप घर जाके उसको धूप के को छाँव में रख दोगे, छाँव वाले को धूप में रख दोगे, प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाता, वह मर जाता है। फिर आप बोलते हो कि प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर रहा, ख़त्म हो गया, नर्सरी में तो अच्छी ग्रोथ करता है। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें। उससे आप पूछ सकते हो फर्टिलाइज़र कितना डालना है, कितना फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, कब कब फर्टिलाइज़र डालना है, इसे मिट्टी कौन सी यूज़ करनी है। ये बातें आप प्लांट लगाने से पहले हमेशा ध्यान रखें। और आपको नहीं पता है तो नर्सरी वाले से ज़रूर पूछे, पे आपको सारी जानकारी देगा प्लांट आप खरीदते हो तो।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी रिलेटिव नई नई वीडियो जानकारी पाने के लिए सिविल गार्डनिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो